अगर मैं ये पैसों से जीवन नहीं चल रहा, ये धन से नहीं चल रहा, ये माटी से चल रहा है, नर्मदा के जल से चल रहा है, द्रव्य पदार्थों से नहीं चल रहा, ये अस्तित्व है कि पैसे मत चढ़ाना। मैं रोज प्रार्थना करता हूं, पैसे नहीं, पैसे मत चढ़ाना, तुम एक पेड़ जरूर लगा देना। नारियल यदि 15-20 रुपए का आता है, साल भर में एक गरीब भी होगा तो 20-50 नारियल चढ़ा देता है, सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए। यदि थोड़ा बड़ा होता है तो अगरबत्ती, फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो 1 किलो मिठाई, वो भी 250-500 रुपए किलो की हो गई। एक माला, तू माला भी मतला, मिठाई भी मतला, नारियल भी मतला, पैसे भी मत चढ़ा, तू सिर्फ अपने घर और गांव नगर में अपने इष्ट का, गुरु का, गोविंद का जो भी है मान। और आज यदि सक्का में बैठे हैं तो सक्का सिर्फ यदि मान करना चाहता है तो वो जैसे सुख शांति के लिए नारियल को चढ़ाता है, साल भर में लाखों करोड़ों नारियल नर्मदा जी को चढ़ जाते हैं, लाखों लाखों नारियल चढ़ जाते हैं सुख शांति समृद्धि के लिए। या फिर संकट आए तो संकटों के निवारण के लिए, अरे संकट आ है ही ना, संकट ना आए और सुख शांति हमारे घर में बनी रहे, उसके लिए तू जरूर एक पेड़ को लगा लेना। दादा को अपने घर पे प्रकट कर, दादा और बाबा को देवता, ये पेड़ देवता का, गुरु का, गोविंद का स्वरूप है, इसको प्रकट करना। और जो प्रकट है पेड़ और जंगल, वो विराट स्वरूप, जैसे कहते हैं ना ठाकुर जी ने विराट स्वरूप बताया अर्जुन को, वैसे ही वृक्ष तो वो गुरु गोविंद का स्वरूप है, लेकिन उसका विराट स्वरूप जो है वो ये वन है, जंगल है, विराट स्वरूप है हरि का, जंगल के रूप में, वो विंध्याचल के रूप में, अमरकंटक के रूप में, विराट देख उसके भुजबल में, उसकी ताकत देख, जीवन दे रहा है। आज देश दुनिया में होड़ मची है, हमने विशेषज्ञ से हमने पूछा।